हेलो, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे बहुत तेज़ वाली जुकाम लग चुकी है और सर में काफ़ी दर्द है। और इतनी तेज़ जुकाम है कि आप देख सकते हैं, मैं नोज़ पिन भी निकाल दी हूँ। नोज़ पिन की वजह से काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं नोज़ पिन निकाल दी हूँ। और आज मैं, चाहे लेडीज बीमार पड़े चाहे कुछ भी हो, करना तो काम घर की बिल्कुल है, करना ही पड़ता है, कोई हल नहीं है। और मैं अभी लेटी थी, लेटे लेटे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं, एक फिल्म था रिश्ते, अनिल कपूर का, करिश्मा और शिल्पा शेट्टी, इसका मैं फिल्म देख रही थी। लास्ट का सीन जितना देर तक दिया ना, उतने देर तक मैं रो रही थी। क्योंकि इस, आप सब भी देखोगे तो शायद रो दो, भावुक हो जाओगे, लेकिन फिर दिमाग में लाना पड़ता है, ये तो रोल है, तो फिर रोना बंद हो जाता है। तो मैं उठी तो काफ़ी सर में दर्द है, अब बिन बेत चलते हैं। पहले मैं काढ़ा भी बनाऊंगी और शाम के स्नैक्स में मैं बनाती हूँ चिल्ले। और मैं चिल्ले यूट्यूब से मैं देखी थी, लेकिन यूट्यूब पे ज़्यादातर बेसन के चिल्ले बनते हैं, लेकिन मैं दाल का, मिक्स दाल का चिल्ला बनाने का कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, कोशिश हम कर सकते हैं। और चलिए किचन में ट्राई करते हैं। मुझे लग रहा है ना कि मेरे सर में ना ठंड लग गई है, इसलिए दर्द हो रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैं यहाँ पे दाल फूलने के लिए रख दी थी, थोड़ा सा दाल, आप सब देखो मिक्स दाल है, इसको मैं फूलने के लिए रख दी थी। मैं मॉर्निंग में रखी थी, नाइट में नहीं रखी थी। और मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे में कंप्लीट अच्छी तरीके से ये फूल चुका है, देखो आप। और चलते हैं, पहले मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के इसका पेस्ट बनाती हूँ। और आप सब ब्लॉग में बने रहना, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कोई मेरी रेसिपी बताने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद देख के बना रही हूँ, तो आप सबको मैं कैसे बताऊँ। लेकिन आप सब शायद देखो तो शायद सीख जाओ, तो आप सब भी ट्राई करना कि संध्या दी कैसा बना रही है। चलो आप सब ब्लॉग में बने रहना। जब तक मैं दाल का पेस्ट बनाती हूँ, तब तक मैं रख देती हूँ कढ़ा, कि तुलसी का जो कड़ा होता है बन जाए, क्योंकि उसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा नहीं, फिर भी कहते हैं कि मैं, मतलब 1 गिलास पानी को आधा गिलास करना चाहिए तो ही काढ़ा का बनने का फायदा है और अच्छा बनता है। मेरी माँ भी ये बात करती है, अब मैं अपनी माँ की बात को बहुत फॉलो करती हूँ। तो मैं इसमें डाल रही पानी, जब तक मैं चीले का दाल सब पेस्ट बना लूंगी, तब तक कढ़ा मेरे लिए बन जाएगा बहुत अच्छा सा, शायद मुझे अच्छा भी लगेगा। काढ़े यहाँ मैं रख दी हूँ बनने के लिए। और मैं यहाँ पे तुलसी पत्ता जो होता है ना, तो आप ग्रीन तुलसी डाल सकते हो, चाहे सूखा। तो मेरी सक्षम की जो टीचर है, मैम है, तो वो क्या करती है, उनके घर पे तुलसी पौधे ना बहुत ज़्यादा है, तो क्या करती हैं कि सारे पौधे जो विष्णु भगवान की भोग लगाती हैं, उस पत्ते को सुखा कर रख देती हैं। तो फिर काढ़े में, चाय में वो यूज़ करते थे। एक तो भगवान की प्रसाद हो गई, दूसरा तुलसी पत्ता। और तुलसी पत्ता हमारे लिए कितना बेस्ट है आप सब जानते हो, तो मैं वही चीज़ यूज़ कर रही हूँ। देखो आप सब, आप अगर आपके घर पे भी तुलसी पत्ता, तुलसी पौधे अगर हैं, तो इसको आप सुखा कर पत्ते को स्टोर कर सकते हो, क्योंकि जो ज़्यादातर विष्णु भगवान ठाकुर जी का तुलसी पत्ते का भोग लगता है ना प्रसाद के लिए, तो हम फेंक नहीं सकते हैं। और कितने लोग तो तुलसी पत्ते का जो वो होता है ना, माला, माला बना के विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं, फिर चढ़ा के फेंकने से अच्छा कि इसको हम सुखा के स्टोर कर लें। आई होप मेरी बातें आप सबको समझ में आ रही होगी, ऐसा तो नहीं कि मैं पका रही हूँ। चलिए मैं इतना डाल दी हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लाइट आ रही है, पता नहीं क्या सी का, फोन में यहाँ रख देती हूँ 1 मिनट। तो
तुलसी पत्ते को थोड़ा सा मैं पानी में डाल के इसको अच्छी तरीके से धो ली हूँ, और इतना डाल रही हूँ, आप सब देखो। ऐसे थोड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जुकाम ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ इसमें। और इसमें थोड़ा सा लौंग, हल्दी, अदरक और चीनी आप सब नहीं डालना, इसके चीनी की जगह आप गुड़ डालना, शहद डाल लेना तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि चीनी सही नहीं होता है, कहते हैं कि गले में कफ बनाती है, इसलिए चीनी सही नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें डाल के पहले मैं काढ़ा बनाती हूँ, काढ़ा बनता है फिर पीते पीते हम चीले बनाएंगे, और आप सभी के साथ वीडियो भी आप सभी के लिए बना दे, मतलब ब्लॉग बनाते रहेंगे, शूट करते रहेंगे, और आप सब ब्लॉग में बने रहना प्लीज। चलो, मैं यहाँ पे जो दाल का पेस्ट था ना, मैं रेडी कर ली हूँ पीस के। देखो ना, ये ज़्यादा पतला है और ना ये ज़्यादा थिक है, मीडियम है। ऐसे में टोटल अच्छी तरीका से इसको पीसती हूँ, और आगे का रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरा काढ़ा अच्छी तरीके से बन चुका है, इसको पहले मैं छान लेती हूँ, और छान के थोड़ा पीते हैं कि शायद मुझे अच्छा लगेगा। और मैं काम करती तो मेरा किचन काफ़ी फैल जाता है, काफ़ी देखो आप सब कुछ कुछ मैं घेर देती हूँ, क्योंकि कितने लोग होते हैं ना काम करते, फिर भी उनकी किचन बिल्कुल क्लीन होती है, लेकिन मेरे से नहीं हो पाती है, तो जैसे होती है वैसे कर लेती हूँ। देखिए काढ़ा बन गई है, और अच्छी लगेगी देखने से, तो अच्छी लग रही है, डार्क डार्क एकदम। काढ़ा लेके मैं चलती हूँ रूम में, और यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के पी लेती हूँ, फिर करती हूँ कुछ से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पीते पीते मैं नहीं बना पाऊँगी, और पी के फिर काम किचन में करती हूँ। ऐसे टाइम हो रहा है 5:30, और 6 बजे तक आने का टाइम होगा बच्चों का, उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि सब करके फ्री हो जाऊं, क्योंकि वो लोग आए तो उन लोगों को स्नैक्स में कुछ ना कुछ चाहिए। और मैं आजकल खुले वाला वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो बहुत जल्दी वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी, क्ले पे भी बहुत जल्दी। और बहुत सारी आप मतलब बहुत सारी बातें करनी है क्ले के ऊपर भी मुझे, बहुत सारी मैं बस सोचती हूँ और सोच के रह जाती हूँ, लेकिन जल्दी से क्ले वाला वीडियो आएगा आप सभी के लिए, आप सब वेट करना। मेरा कोशिश यही रहता है कि जो ब्लॉग पसंद करते हैं उनके लिए मैं वैसा वीडियो डालूँ, और जो क्ले वाला वीडियो पसंद करते हैं वैसा वीडियो मैं उनके लिए डालूँ, और जो रेसिपी वाले वीडियो पसंद करते हैं मैं वैसा वीडियो, मेरी कोशिश यही रहता है कि जो मुझे पसंद करते हैं उनकी हर चॉइस कि वीडियो में डाल सकूं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंसी रह जाती हूँ, कभी मैं बीमार पड़ती हूँ तो कभी मेरे हस्बैंड पड़ जाते हैं, और पूरे दिन बहुत सारा काम हो जाता है। लेकिन आप सबका होगा, काम तो सबका होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे भी टाइम निकाल के वीडियो बनाना चाहिए, कोशिश रहेगा कि मैं टाइम निकाल के आप सभी के लिए वीडियो बनाऊँ और डालूँ भी। काढ़ा तो बहुत अच्छी बनी है, मुझे लग रहा था कि कड़वा कड़वा ना हो जाए बेकार सा, लेकिन अच्छी लग रही है। चलिए इसको कंप्लीट करके फिर आप सभी से मिलते हैं। यहाँ पे दाल आप सभी को मैं दिखा चुकी थी कि पीस दी हूँ, अच्छी तरीके से पेस्ट बन चुका है, और इसमें मैं डाल दी हूँ अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट, और यहाँ पे मैं थोड़ा ली हूँ धनिया पत्ता, शिमला मिर्च, टमाटर, टमाटर में एक नहीं ली हूँ हाफ करके, उसको मैं बारीक बारीक काट रखी हूँ, एक हरी मिर्ची, एक छोटा सा प्याज, और थोड़ी सी बंद गोभी, और थोड़ी सी सूजी, और थोड़ा मैं अलग से बनाने का कोशिश कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इतना सारा
सामग्री डाल रही हूँ इसमें, देखते हैं कैसे बनता है ये, कैसा बनता है ये। तो पहले हम इतना सूजी को डाल देते हैं, और थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी टमाटर, आप ग्रीन चिल्ली डालना है तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे कितने पसंद करते हैं कितने नहीं भी पसंद करते हैं, तो अपनी चॉइस रखना मिर्ची के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा तीखी हो जाए तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। और थोड़ा सा हम डालते हैं यहाँ पे हल्दी, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये है सब्जी मसाला जो मार्केट में मिल जाता है आसानी से, और यहाँ पे नमक, नमक स्वाद अनुसार आप सब डालना, ज़्यादा तो नहीं होगा ना मुझे डर ही लगता है, वैसे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना कुछ तो मैं डाल दी। चलिए बेटर को अच्छी तरीके से हम इसको, मतलब वही मैं एक हाथ में फोन पकड़ रखी हूँ और एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ, एक हाथ से, क्योंकि मेरे स्टैंड जो है ना, एक स्टैंड का जो क्या बोलते हैं जिस पर वो टिकता है वो टूट चुका है, इसलिए मुझे काफ़ी दिक्कत हो रहा है। और इसे भी डालते हैं, लेकिन मुझे ना बंद गोभी डालने में पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है, समझ में नहीं रही, कि थोड़ा सा डालते हैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डालते हैं। अच्छी तरीक़े से सारे बेटर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, पहले मैं कर लेती हूँ फिर वीडियो शूट करती हूँ, आप सब ब्लॉग्स बने रहना। अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है देखिए, और इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी, इसलिए छोड़ूंगी क्योंकि मैं इसमें सूजी डाली हूँ और सूजी को फूलना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इसको हम रेस्ट के लिए 5 मिनट तो बिल्कुल छोड़ने वाली हूँ, 5 हो जाए 10 मिनट हो जाए बल्कि, लेकिन छोड़ूंगी। और सक्षम सार्थक का हो गया है टाइम, तो मैं अभी चलती हूँ, उन दोनों को लाती हूँ फिर बनाती हूँ, आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं भी नहीं जाइएगा। मैं आई हूँ सक्षम सार्थक को यहाँ पे लेने के लिए, वेट कर रही हूँ, आ रहे हैं, देखो टिंगू आ गया, आ रहा है, आ गया, ये टोपर नहीं लगा के आया, बैग भी लेके नहीं, बैग कहाँ है, हाँ देखो भैया बैग लेके आ रहा है, देखो भैया बैग लेके, बैग भी नहीं उठा सकता ये, पहले सक्षम अपना बैग दो, रुको 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 रुको, इसको इसको छोड़ो, इसे बहुत मुश्किल है क्या सार्थक, अब पहले घर पे चलेंगे, ठीक से बैठो, मैं पकड़ नहीं, चलो चलो बैठ गए, चलो बाय बाय कर दे, बाय बाय, अभी नहीं करो,
चलिए फ्रेंड, फाइनली बनाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सक्षम सार्थक आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे रखी हूँ डोसा तवा। मैं यहाँ पर डोसा तवा यूज़ कर रही हूँ। ऐसे मेरे ख्याल से प्लेन भी तवा जो होती है लोहे की तवा, उस पर भी बन जाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर डोसा तवा भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरीके से इसको हम ड्राई करने देंगे, ड्राई हो जाने देंगे, क्योंकि हल्के हल्के से यहाँ पे पानी की डॉट डॉट है। फिर इस पर डालेंगे थोड़ी सी, क्या डालेंगे सक्षम? थोड़ी सी ऑयल डालेंगे और बस हो गया। इसको अच्छी तरीके से ऐसे, ठीक है? और मेरे ख्याल से गर्म हो गई होगी, क्या पता नहीं गर्म हुई है कि नहीं हुई है। चलो बजरंग बली का नाम लेते हैं। अच्छा हुआ ने क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं ना। अच्छी तरीके से वेटर जो है फूल भी गया है, क्योंकि मैं इसको 5 क्या 15 मिनट छोड़ दी थी। और मैं दाल ऐसा बनता है, इसको पतला पतला करके फैला देंगे। गैस मीडियम कर देते हैं, घर जाले नहीं। इसको अच्छी तरीके से हम तवे में फैला दिए हैं। और थोड़ा सा ऑयल किनारे किनारे में इसको और डाल दी हूँ। ऐसे नॉन स्टिक है तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। गैस थोड़ा सा और तेज करेंगे और वेट करते हैं 5 मिनट, शायद कि 1-2 मिनट काफी है इसके लिए, देखते हैं। अच्छी तरीके से हो रहा है ना सक्षम? चलिए इसको अच्छी तरीके से ऐसे पलट देते हैं। और इधर तो कलर बहुत प्यारी आ रखी है। और इसको भी 1-2 मिनट और पका लेते हैं। ज्यादा ऑयल हम यूज नहीं करेंगे। अंधेरा होगा, ऐसे हम दोनों तरफ ऐसे करके सेक लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए फ्रेंड, एकदम अच्छी तरीके से पक गया दोनों साइड की तरफ। कलर भी बहुत प्यारे आ रखे हैं इसके। और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसको मैं 2 पीस में कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पा रहा है मेरे से। ऐसे निकाल देती हूँ ऐसे। और फिर सेम टू सेम इसी तरह थोड़ी सी बन डालेंगे और फिर से गैस को मीडियम पे ही रखेंगे। ऐसे एक तरीका से बहुत हेवी नाश्ता है ये, क्योंकि इसमें हर एक तरीके की दाल है, सूजी है, ग्रीन वेजिटेबल है। तो एक तरीके से बहुत हेल्दी भी है और हेवी भी है ये। इसको हम नहीं कह सकते हैं कि हल्की है, क्यों? इसको हम 2-3 मिनट छोड़ देते हैं कि पकते रहे। तब तक सक्षम को लगी है भूख, तो थोड़ा सा हम चटनी डाल के सक्षम को देते हैं। यहाँ पे चटनी में धनिया पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ी सी। मैं चटनी पहले से बना रखी थी और सक्षम खा के बताएगा कैसी बनी है, क्या सक्षम? चलो सक्षम खाएगा, चलो रूम में ले चलो बाबू। हम खा रहे हैं
और ये काफ़ी गर्म है, तो इसको गर्म है तो हाँ थोड़ी सी जल रही है। क्यों सक्षम, ऐसे कैसी बनी है? कैसी बनी है बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। ये? सक्षम मेरे को बोला कि मम्मा आप प्लीज़ किसी का देख के नहीं नकल करना, बनाना नहीं, क्योंकि आप ऐसे ही अच्छा बनाते हो। और मैं बोली कि मैं कुछ देखी हूँ और कुछ अपना माइंड जो होता है लगाई हूँ, लेकिन फाइनली बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ। बहुत अच्छी बनी है, बहुत स्वाद है। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। चलो बाय करो। बाय, गुड नाइट। ये है सार्थक, इनको भी भूख लगी है। चलिए आप सब अपना ध्यान रखना।